मेरे भाई और बुजुर्गों, लाहौर इस मुल्क में 1947-48 में पैदा हुआ, जब यहाँ इंतजार के फितने के फूटने का दृश्य हुआ। दिल्ली और पंजाब के इलाके में कहीं जबरन और कहीं जहालत की वजह से मुसलमानों की बड़ी तादाद मुतल हो गई। उस वक्त नादारा में दार में इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता किया। उन्होंने पूरी कोशिश के साथ इस सूरत हाल में हजरत मौलाना अबुल हासिम मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी चंपारण के इलाके में कितना इत्तेहाद का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया और ऐसा लगता था कि पता नहीं उस पूरा का पूरा मुल्क इत्तेहाद के रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन अल्लाह की मदद से और उन बुजुर्गों की कोशिशों से और उनके नारे वीर शबी की बरकत से अल्लाह ने हमको और आपको वीर पर कायम रखा है। मेरे भाई और बुजुर्गो, अब फिर हम वही हालात से बचा। आज हमें अपनी नस्लों की ईमान की फिक्र करनी है और इसमें दो बातें बहुत बुनियादी और जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मदारिस इस्लामी कायम है। बल्कि मैं कहूं कि सिर्फ बरसग़ीर हिंद पाक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन मदारिस के सिलसिले का फैस पहुंचा है। आज अमेरिका से लेकर चीन तक आप किसी मुल्क में चले जाए, वहां कुछ न कुछ इसकी रोशनी आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसको जरूरत जो और बात होती है, एक तो हमारा मकातिब का रजा मजबूत होना चाहिए। कोई गांव ऐसा नहीं हो जहां मकतब न हो, मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं हो जहां हमारा मकतब नहीं हो। अल्लाह ने हमें ऐसा मरकज दे दिया है कि हर मुस्लिम आबादी में मस्जिद है। यह मस्जिद हमारा मरकज है और मस्जिद के इमाम हमारे